हज़रत अबू बकर सदीक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक बद्दू आता है हज़रत अबू बकर सदीक के साथ बदज़बानी बदकलामी करता है और वो खामोशी से सुनते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंठों पर हल्का सा तबस्सुम है। कुछ देर के बाद बशरी तकाज़ों से हज़रत अबू बकर को भी गुस्सा आता है और आप भी सवा उसकी बातों का जवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर वहाँ से निकल आते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक उस बद्दू को छोड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आते हैं और मामला की हकीकत को दरियाफ्त करते हैं। आप फरमाते हैं कि अबू बकर, मैं देख रहा था कि जब वो तुमसे तुर्शी और तुमसे बदकलामी कर रहा था और तुम खामोश थे, तो एक रहमत का फरिश्ता पीछे तुम्हारे लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं कर रहा था, लेकिन जब तुमने उसकी बातों के जवाब में खामोश रहने की बजाय जवाब देना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा वो रहमत का फरिश्ता वहाँ से रवाना हो गया और शैतान आ गया, इसलिए मैं वहाँ से उठ गया।